हेलो फ्रेंड्स द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव एंड उसका सब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव में कौन सा प्रश्न आपका पूछा गया था उसका विथ सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव का कौन सा आंसर सही है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव नंबर वन देखिएगा क्या है इन आर सी कपल एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन तो इसका आंसर जो होगा आर सी कपल एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन क्या होता है रिमेंस कांस्टेंट ओवर ए रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है मतलब क्वेश्चन नंबर ए आपका सही हो गया इस तरह से आप लोग टेकआउट कीजिएगा फर्स्ट का ए फर्स्ट का क्या हो जाएगा ए आपका हो जाएगा रिमेंस कॉन्स्टेंट ओवर ए रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट है आपका द ट्रांसफॉर्मर इज़ यूज इन द आउटपुट ऑफ पावर एम्पलीफायर मेलनी टू तो इसका अपलो हो जाएगा मैच द लोड इम्पिडेंस विथ डायनेमिक आउटपुट रजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दो का द ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन द आउटपुट ऑफ ए पावर एम्पलीफायर मेलनी टू तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैच द लोड इम्पिडेंस विथ डाइनेमिक आउटपुट रजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इस तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव करना है तीसरा नंबर में क्या पूछा गया था क्रॉस ओवर डिस्टोरसन अकर्स इन तो क्रॉस ओवर डि किस में होता है तो क्लास बी एम्पलीफायर में होता है ऑप्शन नंबर सी तीसरा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सॉरी बी तीसरा के क्या हो जाएगा बी क्लास बी एम्पलीफायर नेक्स्ट है आपका चौथा तीसरा क्या हो गया क्रॉस ओवर डिस्टोरशन अकर से इन तक किसमें होता है क्रॉस ओवर डिस्टोरसन क्लास बी एम्पलीफायर में होता है ऑप्शन नंबर बी में होता है तीसरा आप लोग देखिएगा क्लास ए बी ऑपरेशन इज ऑफ टेन यूज इन पावर एम्पलीफायर इन ऑर्डर टू ते आपका हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ओवर कम क्रॉस ओवर तो इस तरह से आपका प्रश्न आए थे और आप लोग इस तरह से सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट है आपका पाँचवा नंबर द रेशियो ऑफ लैचिंग करेंट टू होल्डिंग करेंट इज द रेशियो ऑफ लैचिंग करेंट और होल्डिंग करेंट का जो अनुपात होता है वो होता है आपका दो पॉइंट फाइव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा नेक्स्ट है आपका फोर थेरिस्टर पल्स ट्रिगरिंग इज प्रिफेयर टू डी सी ट्रिगरिंग बिकॉज थेरिस्टर के लिए पल्स ट्रिगरिंग के लिए डी सी ट्रिगरिंग की क्या अब होती है तो इसमें आपका हो जाएगा सिक्स नंबर का ये हो जाएगा गेट डिसिपिएशन इज लो सेकंड में है पल्स सिस्टम इज सिंपलर थर्ड में है ट्रिगरिंग सिग्नलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन तो ये चारों तीनों आपका है तो ऑल ऑफ द एव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्स के नेक्स्ट है आपका देखिए ए ट्राइक कैन बी ट्रिगर ऑन ट्राइक को कैसे ऑन किया जा सकता है तो ऑप्शन आपका चारों दिया गया है तो उसमें से देखते हैं कि कौन सा आपका सही है तो सतवा नंबर का आपका ट्राई को ऑन कैसे करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज एट गेट गेट पे जब पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव या निगेटिव वोल्टेज दीजिएगा गेट पे मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा सतवाँ नंबर का ट्राई कैन वी ट्रिगर ऑन तो पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज एट गेट गेट पे जब पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो ट्रिगर ऑन हो जाता है तो इस तरह से आपका आंसर होगा नेक्स्ट है आठवां नंबर आपका फोर कंस्ट्रक्टिंग ए रिलैक्सेशन ओसिलेटर तो कंस्ट्रक्टिंग ए रिलैक्सेशन ओसिलेटर तो उसका यूज़ीटी जी जहाँ आप देखिएगा रिलैक्सेशन ओसिलेटर के बारे में बात करेगा वहाँ यू से बड़ा अच्छा नाता है तो इसको आप लोग सी नंबर हो जाएगा आपका यू जे टी आठवा का सी यू जे टी यूज इसमें यू जे टी यूज होता है नेक्स्ट है नाइन नंबर इन ए फीडबैक सीरीज रेगुलेटर सर्किट द आउटपुट वोल्टेज इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग द तो इसका हो जाएगा नाइन का आपका डी वोल्टेज ड्रॉप द सीरीज पास ट्रांजिस्टर नाइन नंबर का क्या हो जाएगा डी डी हो जाएगा टेन में आइएगा द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए सीरीज रेगुलेटर एंड सेंट रेगुलेटर इज तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द पोजिशन ऑफ कंट्रोल्स एलिमेंट दस नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द पोजिशन ऑफ कंट्रोल एलिमेंट नेक्स्ट है आपका एलेवन वाट आर द एडवांटेज ऑफ स्विचिंग पावर सप्लाई ओवर लेनियर पावर सप्लाई तो आपका दस का हो जाएगा यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए दस में तो ये हो जाएगा द डिवाइस ऑपरेट एज स्विच दस का आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा नेक्स्ट है ट्राई कैन नॉट बी यूज ट्राई को किस यूज नहीं किया जा सकता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी साइक्लो कन्वर्टर्स इसमें ट्राई का यूज नहीं किया जा सकता है बाकी में ट्राई का यूज किया जा, जाता है नेक्स्ट है आपका तेरह नंबर देखिएगा इन ए सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर मिनिमम आउटपुट वोल्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज और ऑप्टेंड एट विच कंडक्शन एंगल कह रहा कि सिंगल फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर में मिनिमम आउटपुट वोल्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना एंगल के होते हैं तो या आपका होता है ऑप्शन नंबर बी एक होता है मिनिमम और मैक्सिमम होता है जीरो तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा तो ये आपका हो जाएगा तेरह नंबर का बी सेकंड नेक्स्ट है आपका चौदह नंबर ई ने टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर वर्किंग इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौदह नंबर का वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा लोड करेंट कैन बी पोजिशन पॉजिटिव और निगेटिव क्या है सी नंबर हो जाएगा लोड करेंट कैन बी पॉजिटिव या निगेटिव होगा ठीक है नेक्स्ट है आपका पंद्रह नंबर इन ए थ्री फेज फुल वेव ए सी टू डी सी कन्वर्टर द रेशियो ऑफ आउटपुट रिपल फ्रिक्वेंसी टू द सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी तो पंद्रह का आपका जो हो जाएगा वो सिक्स हो जाएगा क्या सिक्स क्या थ्री सी में है सिक्स तो पंद्रह का हो जाएगा सी सी में ऑप्शन में है आपका सिक्स नेक्स्ट है ए पावर चॉपर कन्वर्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए पूछा गया है यहाँ भी पावर चॉपर कन्वर्टर डीसी टू डीसी में चॉपर है जो कन्वर्ट करता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपका देखिएगा सत्रह नंबर ए डी मोटर ऑपरेट फ्रॉम ए टाइप ए चॉपर इज स्विच टू टाइप बी चॉपर हाउ डज द मोटर ऑपरेट वेन टाइप ए एंड बी आर इन ऑपरेट ऑपरेशन रेक्टेबली तो आप लोग पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा तो ये सत्रह नंबर का क्या हो जाएगा आपका सत्रह नंबर का डी हो जाएगा मोनरेटिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग सत्रह नंबर का डी ऑप्शन नंबर मोनरेटिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो जाएगा अब नेक्स्ट है आपका अठारह नंबर द इफ़ेक्टिव पीरियड इन ए वोल्टेज कमोटेडेड चौपर तो इसका हो जाएगा डिक्रीज विथ इनपुट बट इंक्रीज विथ सी मतलब सी नंबर का C हो जाएगा ए सी होगा अट्ठारह नंबर का सी हो जाएगा डिक्रीज विथ आईओ बट इंक्रीज विथ सी ए हो जाएगा सी हो जाएगा अठारह नंबर का नेक्स्ट है आपका उन्नीस नंबर इन सिंगल फेज मोडुलेशन ऑफ पी डब्ल्यू एम इन्वर्टर फिफ्थ हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड इफ पल्स विथ इज इक्वल टू तो फिफ्थ हार्मोनिक आपका पूछ रहा है तो क्या होता है एंथ के लिए क्या होता है टू पाई वाई एन होता है तो यहाँ और पाई को क्या एंगल में हम लोग लेंगे एक सौ अस्सी लेंगे तो टू इंटू एक सौ अस्सी वाटा और येन क्या है फिफ्थ जनरेशन हार्मोनिक पूछ रहा है तो फाइव से डिवाइड करेंगे तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा छत्तीस और जब कैलकुलेट कीजिएगा तो छत्तीस दूनी बहत्तर तो आपका बी में है बहत्तर डिग्री तो ये आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा उन्नीस के क्या हो जाएगा बी बहत्तर डिग्री बनाइएगा तो तो ऐसे आपका बनाया जाता है नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन इन ए वोल्टेज एम्पलीफायर द लोड रेजिस्टेंस शुड बी तो ये आपका बीस क्या हो जाएगा एज ए लार्ज एज पॉसिबल तो बीस आपका नमरिकल समाप्त हो गया यहाँ पे बीस आपको बता दिया गया तो आप लोग अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से लिख लीजिएगा उसको याद कीजिएगा अब हम लोग ग्रुप बी में देखते हैं कि कैसे क्या होता है और कौन सा प्रश्न पूछा गया है तो ग्रुप बी में देखिएगा फर्स्ट में है आपका एक्सप्लेन एंड ओवर लोड प्रोटेक्शन इन ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई तो ये चार नंबर में आपका पूछा गया है तो इसको आप लोग कर लीजिएगा आपको बताया भी गया होगा नेक्स्ट है और में ही है अगर वो प्रश्न नहीं आता है तो और वाला भी बना सकते हैं इसमें कंपेयर पूछ रहा है कम्पेयर बिटवीन कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर तो सबसे आसान तो लग यही लग रहा है कि आपको डिफरेंस ही लिख देना है छः सात डिफरेंस दोनों के बीच लिख देंगे तो चार नंबर आसानी से मिल जाएगा नेक्स्ट है तीसरा नंबर में आपका वाट इज़ इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो और और में दिया गया है इमू नेचर द इनपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ रेक्टिफायर तो सबसे अच्छा है कि आप लोग इसको लिख लीजिएगा वट इज़ इंट्रेंसिक ऑफ रेशियो ऑफ इजेटी आप लोग को बताया गया है और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है तो उसमें अच्छे तरीके से इसको बारे में दिया गया है चौथा नंबर है डिस्क्राइब द डिफरेंस मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए थेरिस्टर विद द हेल्प ऑफ आई वी में क्या है वाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ एंड ए सी आर तो दोनों पूछा गया है जो दोनों में से जो आपको याद रहेगा जो ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम में नेक्स्ट है पचवा नंबर डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप चॉपर और और में क्या है एक्सप्लेन द दर्किंग ऑफ वायरल इन्वर्टर तो देखिए चॉपर और इन्वेटर से भी क्वेश्चन आते रहते हैं एक दो हमेशा मिलते रहेंगे तो चौपर के बारे में लिखना है स्टेप अप चॉपर के बारे में प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है उसका वर्किंग को और और मैं क्या कर रहा है पैरेलल इन्वर्टर का वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है तो आ, आपको जो इच्छा है जो कीजिए चार नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे दो में से एक बनाना है नेक्स्ट है आपका वाई ए फ्री वेलिंग डायोड यूज इन रेक्टिफायर सर्किट और नेक्स्ट में है और मैं व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ट्राइक ओवर एंड ए सी आर एक्सप्लेन तो ये दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं जो भी आपको याद हो अच्छे से चार नंबर यहाँ पे समाप्त हो गए आप छः नंबर वाला में कौन सा प्रश्न पूछता है वो देखिएगा यहाँ पे 2019 में पूछा गया है क्लासिफाई द डिफरेंस टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शनल फीचर विथ वर्किंग इफ ए क्लास ए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर को क्लासीफाई करने के लिए बोल रहा है और क्या बोल रहा है उसका फीचर को कंस्ट्रक्शनल विथ वर्किंग के साथ क्लास ए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर को क्लासीफाई एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है तो आप लोग अच्छे इस तरीके से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या बोल रहा है और क्या क्या निकालना है और मैं देखिए क्या दिया हुआ है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ डी आई बाई डी टी ट्री रेटिंग ड्यूरिंग द टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ ए जो आपका बताया गया है कि थेजस्टर को ऑन एसीआर सी आर ऑन और ऑफ करने को तो ऑन वाला में आपका डी डी आई वाई डी टी ट्रिगरिंग है रेटिंग है उसको यहाँ पे पूछा गया है तो बनाना है नेक्स्ट है आठवां नंबर वट इज़ क्रॉस ओवर डिस्टोरसन हाउ कैन बी मिनिमाइज्ड देखिए क्रॉस ओवर डिस्टोरसन हमेशा आते रहते हैं चाहे शॉर्ट नोट्स में आ जाए चार नंबर में या फिर छः नंबर में भी पूछ दे सकता है तो यहाँ पे पूछा गया है उन्नीस में तो ये सब क्रॉस ओवर डिस्टोरसन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और उसको कर लीजिएगा और अथवा में क्या है इसमें एक्सप्लेन द नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन थेरिस्टर सर्किट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्कीम्स डिस्कस एनी वन तो ये भी दिया गया है तो छः नंबर में यह है आपका क्रॉस ओवर के बारे में लिख सकते हैं या नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन थेरिस्टर सर्किट के बारे में लिख सकते हैं उसको एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट है आपका नाइन नंबर में देखिएगा ड्यूअल कन्वर्टर ड्यूअल कन्वर्टर में आप लोग ये शायद यूनिट में है वहाट इज ड्यूअल कन्वर्टर एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ नन सर्कुलेटिंग सिग्नल फेज ड्यूअल कन्वर्टर विद द डायग्राम डाइग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है और अथवा में आप कहा देखिएगा डिस्टिनेसिंग बिटवीन वोल्टेज कम्युनिकेशन एंड कैरेंट कम्युनिकेशन इन थे सर्किट डिस्कस हाउ वोल्टेज अक्रॉस द कम्युनिकेटिंग कैपेसिटर इज रिवर्स्ड इन कम्युनिकेटिंग सर्किट तो ये आपका छः नंबर पर पूछा गया है बहुत लॉन्ग प्रश्न है अच्छे से इसको पढ़िएगा समझिएगा और उसके बाद ही आंसर आप लोग को देना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए दो तीन ईयर का लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग सारे लोग और कॉपी में लिख के उसको बनाइए और उसको रिविजन करते रहिए नेक्स्ट है, है दसवा नंबर में ड्रा द सर्किट डाइग्राम ऑफ ए सीरीज इन्वर्टर एंड इंडिकेट द नीड ऑफ एन ऑप्टिमम टाइम मार्जिन आल्सो राइट द मेरिट ऑफ डिटरमाइन ऑफ दिस इन्वर्टर ये आपका छः नंबर में है और इसी का अथवा में पूछा गया है कि वाट इज द एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूनि डायरेक्शनल एज वेल एज बाई डायरेक्शनल कंट्रोल हिच वन ऑफ दिज प्रिफेयर एंड वाई तो ये आपका छः नंबर में है तो किसी भी ये दो में से किसी एक का आप उत्तर दे सकते हैं ये आपको छः नंबर में मिलेगा और देखिए शॉर्ट नोट में आपका पूछा गया है टू क्वाड्रेंट चौपर एंड सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एसीआर तो ये आपका बताया गया है ये आपको नहीं बताया गया था लेकिन आप कहीं से कर लीजिएगा उसको देखिएगा सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ लोग को बताया गया है वीडियो भी बनाया गया है तो उसको आप और नोट्स दोनों का दे दिया गया है तो अगर आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं दोनों लिखना है क्योंकि तीन तीन नंबर दोनों का है और इसी का अथवा में है ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर ये सब टर्म जो आपको एग्ज़ाम में आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यही सब प्रश्न आपको रिपीट होते रहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए सत्तर परसेंट आप पढ़ाई करते हैं तो सत्तर परसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए और थर्टी परसेंट अदर तरह से ध्यान दीजिए तो ये ऐसा करने पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्व हो जाएंगे और एग्ज़ाम भी अच्छे से जाएंगे तो आपको दो हज़ार उन्नीस का जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव था वो मैं बता दिया अगले वीडियो में दो हज़ार उन्नीस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा उसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा इसको थैंक यू बाय